हेलो दोस्तों, आज मैं रिव्यू करने जा रही हूँ मीशो के प्रोडक्ट का। ये कुछ मेकअप प्रोडक्ट मैं मंगा रखी हूँ, तो ये इस टाइप के पैकेजिंग में आए थे, तो मैं सबको निकाल ली हूँ। इसकी पैकेजिंग काफ़ी अच्छी थी। तो ये मैंने निव्या का पर्ल ब्यूटी का रोल ऑन मंगा रखा है। ये मुझे 162 का पड़ा है। ये काफ़ी अच्छा है, स्वेट नहीं आने देता है और अंडर आर्म्स को ब्लैक भी नहीं होने देता है। आप इसे मंगा के ट्राई ज़रूर करें। और ये है दूसरा प्रोडक्ट, ये बनाना पाउडर है, बनाना लूज पाउडर, बनाना लग्जरी। ये मैट लुक का है और इसमें लिखा है बनाना लग्जरी लूज पाउडर, ट्रांसल्यूकेंट पाउडर है। इसको मैं ओपन करके दिखा देती हूँ आपको, ये काफ़ी अच्छा है। ये इसका पफ है एंड यहाँ पे कवर क्या कर रखा है इन्होंने, ये मैं आपको निकाल के दिखा देती हूँ हैंड में थोड़ा सा। ये काफ़ी अच्छा है, टेक्सचर भी इसका काफ़ी स्मूथ है। इसमें क्लोज करके रख देती हूँ, दिखाती हूँ तीसरे प्रोडक्ट को। ये HD प्रो का कंसीलर है, इसका शेड मैंने लाइट मंगाया है, शेड नंबर 2 है और ये मुझे पड़ा है 156 का। ये भी काफ़ी अच्छा है, आप इसे मंगा के ट्राई ज़रूर करें। मैं आपको निकाल के दिखाती हूँ, इसमें ब्रश दे रखा है, ये देखिए आप, ये ब्रश है। आप इसको इजीली अप्लाई कर सकते हैं, थोड़ा सा इसे प्रेस करना है फिर ये ऐसे अप्लाई हो जाएगा। आपको जो शेड शेड लगे आप वो मंगा लें, काफ़ी अच्छा है ये। इन सब का डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दूँगी प्रोडक्ट को। और ये है फोर्थ प्रोडक्ट, ये ग्लैम 21 का ट्रांसपेरेंट मस्कारा है। ये मुझे 173 का पड़ा है। वैसे मैंने ब्लैक मंगाया था बट ये ट्रांसपेरेंट आया है, ये भी काफ़ी अच्छा है। मैं इसे निकाल के दिखाती हूँ, ये देखिए इसका भी टेक्सचर काफ़ी अच्छा है। तो ये चारों मैंने मीशो से बाई किया था, इसकी पैकेजिंग भी काफ़ी अच्छी थी और सारे ये डब्बे के साथ आए थे। तो वीडियो मेरी अच्छी लगी तो आप इसे ट्राई करें और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।